लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान हाल ही में रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवम में कैमियो करते नजर आए। इसके बाद से ही फैंस उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। देखा जाए दोस्तों, तो शाहरुख खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर 3 फिल्मों के साथ वापसी करने जा रहे हैं। वही अब उनकी फिल्म जवान को लेकर एक नया अपडेट सामने आया, जिसे सुनने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। मतलब खबर ही ऐसी है कि आप खुशी से झूमने लगेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान की एक एक्शन सीन की शूटिंग के लिए 200 महिलाएं हिस्सा लेंगी। अटली कुमार के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई में होगी। इस एक्शन सीन की शूटिंग के लिए चेन्नई में एक बड़ा सेट बनाया गया है और यहां से यानी कि मुंबई से 200 से 250 महिलाओं को वहां पर ले जाया जाएगा क्राउड सोर्स के लिए। ये सभी महिलाएं चेन्नई में जाकर शूट करेंगी और लगभग 7 दिनों तक ये शूट चलता रहेगा। और इस शूट के बाद शाहरुख खान दूसरे लोकेशन पर शूट करने के लिए रवाना होंगे। बता दें कि जवान में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, सुनील ग्रोवर, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आएंगे। इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर रही है, यानी कि शाहरुख खान की कंपनी। रिलीज की बात करें तो ये फिल्म 2023 में जून के महीने में 2 तारीख को रिलीज होगी। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों, तो शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो आखिरी बार वो 2018 में जीरो फिल्म में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। वहीं अगले साल जवान के अलावा सिद्धार्थ आनंद की पठान और राजकुमार हिरानी की डंकी में नजर आएंगे। मतलब 2023 में 3 फिल्मों के साथ धमाका करेंगे शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर। देखा जाए दोस्तों, तो अभी हाल ही में ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज हुई और उसमें शाहरुख खान नजर आए थे वानरस्त्र में। जब से फैंस ने शाहरुख खान को इस अवतार में देखा है, फैंस उनका स्पिन ऑफ चाहते हैं। ब्रह्मास्त्र के हर एक कैरेक्टर को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, लीड एक्टर्स के अलावा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है या हो रही है, वो है हम सभी के चहेते शाहरुख खान की। वैसे तो सभी ने फिल्म में शानदार एक्टिंग की है और दर्शकों को इम्प्रेस किया है। रणबीर और आलिया समेत फिल्म के हर कैरेक्टर ने फैंस के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है कि फिल्म का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग का वो 20 मिनट हर किसी के दिमाग में बैठ गया है। शाहरुख खान की एंट्री से लेकर उनके मरने तक का वो सीन लोगों के दिलो दिमाग पर एक अलग छाप छोड़ चुका है और इसी वजह से लोग ट्विटर पर ट्वीट कर अपनी मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शाहरुख खान के रोल पर बेस्ड एक स्पिन ऑफ फिल्म बने। दरअसल देखा जाए दोस्तों, तो ब्रह्मास्त्र एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसकी कहानी बेस्ड थी ब्रह्मास्त्र पर और उनके ब्रह्मांस पर। फिल्म में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े होते हैं, जिन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और इसीलिए अलग अलग ब्रह्मांस को दिया गया उसकी सेफ्टी के लिए। जिनमें से एक टुकड़ा होता है फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर के पास। सेकंड पीस ऑफ ब्रह्मास्त्र होता है नागा अर्जुन के पास, जो कि फिल्म में नंदी अस्त्र के रोल में नजर आए। टाइप ऑफ कह सकते हैं कि फिल्म में उनका रोल भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था। वहीं थर्ड पीस ऑफ ब्रह्मास्त्र था दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट मोहन भार्गव के पास, जिनका रोल प्ले किया था बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने। दोस्तों, लंबे समय बाद शाहरुख खान बैक टू बैक स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लगातार वो अलग अलग फिल्मों में कैमियो कर अपने फैंस को सरप्राइज दे रहे हैं और रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट के बाद जब फैंस ने उन्हें अलग अवतार में स्क्रीन पर देखा तो वो फैंस क्रेजी हो गए। मतलब दोस्तों, फैंस की दीवानगी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बार भी शाहरुख खान स्क्रीन पर आए या जब तक रहे, सीटिया सिनेमा घरों में लगातार कंटिन्यूसली बजती रही। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में शाहरुख खान अब तक उनके पूरे करियर में किए जाने वाले सबसे अलग रोल में नजर आए, जो फैंस ने उन्हें कभी नहीं देखा। इंडियन लोगों ने शाहरुख खान के इस अंदाज को कभी नहीं देखा होगा। फिल्म में वो एक साइंटिस्ट के रोल में नजर आए, लेकिन खास बात ये थी कि उनके पास वानर अस्त्र की शक्तियां थी। फिल्म स्टार्ट होती है शाहरुख खान से और लगभग 20 से 22 मिनट तक वो स्क्रीन पर नजर आते हैं। उस 20 मिनट में शाहरुख खान अपने सबसे बेस्ट अवतार में नजर आए, सबसे बेस्ट देते नजर आए। अब चाहे वो हम एक्टिंग के पर्पस से देखें या एक्शन के पर्पस से, डायलॉग्स, इमोशन, हर एक चीज उन्होंने उसमें जान डाल दी है। देखा जाए तो दोस्तों, शाहरुख खान ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन उनके कैरेक्टर को और ग्लोरीफाई या और धमाकेदार बनाता है उनके पीछे दिखने वाला वीएफएक्स। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब उड़ने वाला जो सीन है, वहां हमें एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वीएफएक्स का, और जब वो आसमान में उड़ते हैं तो बैकग्राउंड में हनुमान जी की छवि देखने को मिलती है, जो शाहरुख खान के कैरेक्टर को पावरफुल बना देती है। इसे देखने के बाद फैंस बहुत खुश हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान का कैमियो फैंस को दीवाना बना रहे हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि एक ऐसी फिल्म बने जिसमें सिर्फ मोहन भार्गव के कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाए।
वो चाहते हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें शाहरुख खान और उनके वानर अस्त्र को लेकर कुछ चीजें दिखाई जाए, जिसमें उनके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जाए, जिसमें उनकी पूरी जिंदगी दिखाई जाए कि कैसे वो ब्रह्मांड का हिस्सा बने, उस पायल के बारे में जिनसे उन्हें शक्तियां मिलती है, या फिर कैसे वो वानर अस्त्र बने, पूरी चीजें डिटेल में फिल्म में दिखाई जाए। और इसीलिए ट्विटर पर शाहरुख खान के रोल पर बेस्ड एक स्पिन ऑफ फिल्म की मांग कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के किरदार पर ये एक पूरी फिल्म बने। गिरीश जौहर ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया कि शाहरुख खान के फैंस ने change.org पर फुल अस्ट्रोवर्स फिल्म की मांग करते हुए एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है। और उन्होंने लिखा है, ट्वीट क्या है, अनबिलीवेबल #SRK फैंस स्टार्ट अ पिटीशन फॉर फुल अस्ट्रोवर्स फिल्म विद हिम, एज अ फैन आई हैव साइन रिक्वेस्ट ऑल SRK फैंस टू डू एज वेल, ब्रह्मास्त्र स्पिन ऑफ स्टारिंग शाहरुख खान साइन द पिटीशन। और उन्होंने एक लिंक शेयर किया है @change.org india। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय, फैंस ने फुल अस्ट्रोवर्स फिल्म के लिए याचिका शुरू की है, एक फैन के तौर पर मैंने भी साइन की है और सभी SRK फैंस जितने भी हैं वो अपील करें कि इस पर एक फिल्म बने जिसमें सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान नजर आए। वो चाहते हैं कि स्पिन ऑफ में सिर्फ शाहरुख खान हो और उनके बारे में बात। वेल, ये काइंड ऑफ यूनिवर्स की तरह आप कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स बनाया जाए, जैसे कि MCU है या फिर X-Men की जो पूरी सीरीज है। MCU में भी आपने नोटिस किया होगा कि एक फिल्म बनती है, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आफ्टर दैट उन सभी के कैरेक्टर्स पर एक एक फिल्म बनती है। फैंस चाहते हैं कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो, मतलब ब्रह्मास्त्र बन चुकी है, अब उसके बाद क्या? वो चाहते हैं कि वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र या फिर कैसे शिवा के अंदर आग की वो जो शक्तियां हैं वो कैसे होती है, उन पर एक पर्टिकुलर सीरीज बनाई जाए। अब हो सकता है कि मेकर्स आने वाले टाइम में इस पर प्लानिंग करे, सोचे इस पर कि हाँ फिल्म बने ना बने, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि उन पर एक ऐसी सीरीज बननी चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।